लैंड ऑफ पासेस के नाम से जाना जाने वाला और हिमालय की गोद में बसा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। विराट संभावनाओं वाला लद्दाख पिछली सरकारों के भेदभाव के चलते विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया था। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य के समग्र विकास के लिए 80,068 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 की घोषणा की। इन 63 परियोजनाओं में से 21,441 करोड़ की 9 परियोजनाएं विशेष रूप से लद्दाख के लिए थी। इतने प्रयासों के बावजूद ये क्षेत्र विकास की राह में अभी भी पिछड़ रहा था। लेकिन समय बदला जब गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त कर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिलवाया और लद्दाख के नागरिकों के जीवन को एक नई दिशा देने का काम किया। लद्दाख के चौतरफा विकास की रफ्तार में और भी तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी करते हुए लद्दाख को प्रतिवर्ष 5,958 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। लद्दाख के सभी रास्तों को आपस में जोड़ते हुए राजमार्ग, सड़कें और हेलीपैड का निर्माण किया गया है, जिससे टूरिज्म की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं, जिससे आज रोजगार के नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। टूरिज्म को विशेष रूप से विकसित करते हुए 10 नए टूरिस्ट सर्किटों और पर्यटकों के साथ पर्वतारोहियों के लिए 5 नए ट्रैकिंग रूट को खोला गया है। लद्दाख क्षेत्र भारत के आवश्यक ऊर्जा संसाधनों की पूर्ति करने में सक्षम होने के बावजूद यहां बिजली की बड़ी समस्या थी और इसीलिए विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों को मंजूरी दी गई है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन, मिनी हाइड्रो परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना, पन बिजली परियोजना, भारत की सबसे बड़ी 7,500 मेगावाट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना शामिल है। स्मार्ट क्लासरूम स्थापित होने से स्कूलों की कायापलट हुई है। इसके अलावा लद्दाख वासियों की विश्वविद्यालय की वर्षों पुरानी मांग को भी पूरा करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इससे लद्दाख के शैक्षणिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। लद्दाख के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे हैं, जिसमें कारगिल और लेह में न सिर्फ नए अस्पतालों का निर्माण हुआ बल्कि बाल चिकित्सा ICU, वयस्क ICU वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लद्दाख के संपूर्ण विकास के लिए सिडको की स्थापना की गई है। साथ ही लेह में 1,000 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण और लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ऐतिहासिक पहल करते हुए लद्दाख क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया, जिससे अत्यंत ठंड के मौसम में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। 2019 के बाद से लद्दाख अपने आने वाले भविष्य की एक मजबूत नींव रख रहा है और एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर रहा है जो आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान के साथ युगों युगों तक चमक बिखेरता रहेगा।